हाय फ्रेंड्स, गर्लोलॉजी गपशप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट भूमिका। आज मैं कोई DIY नहीं लेके आ रही हूँ, आज मैं बनाना सिखा रही हूँ बनाना वॉलनट केक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। एंड तो हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आपको मैं बताती हूँ बहुत ही टेस्टी एंड यमी बनाना वॉलनट केक। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसकी रेसिपी। तो मैं आपको रूबरू करती हूँ अपने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दीज आर माय इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 2 बनानास को लिया है और उनको अच्छे से चॉप कर लिया है, और क्योंकि मुझे इन्हें मैश करना ही है ग्राइंडर में, तो साइज़ और शेप से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 2 बनाना और फ्रेश होने चाहिए और राइप होने चाहिए, मतलब अच्छे हुए पके हुए होने चाहिए। 2 बनानास लिए हैं मैंने। ये मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर और वीट को, मैदा और गेहूं के आटे को मिक्स करके मैंने अराउंड ये 200 to 220 ग्राम्स लिए हैं, या 1.5 कप कह सकते हैं हम। दोनों को मिक्स करके मैंने 1.5 कप लिया है ये आटा। ये है मिल्क 1/2 कप। शुगर लिया है मैंने 150 ग्राम्स के आसपास। ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा हल्का, बहुत ज़्यादा मीठा मतलब पसंद नहीं है, तो ये मैंने 150 ग्राम्स लिए। ये लिया है मैंने चॉकलेट सिरप, क्योंकि मैं इसको थोड़ा चॉकलेटी भी बनाऊँगी। ये चॉकलेट सिरप है फ्रेंड्स, और ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कर्ड है, ये मैंने लिया है 1/2 कप। विनेगर 1 टेबल स्पून, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, और क्योंकि ये वॉलनट केक है, बनाना वॉलनट, सो सम 4 वॉलनट्स, और मैं इनको क्रश कर लूँगी थोड़ा सा, एंड सम चॉको चिप्स। 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने, रिफाइंड ऑयल है, खाने वाला तेल 1/2 कप लिया है। एंड सम सॉल्ट, मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट पिंच करूँगी, तो सम सॉल्ट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल इन मिक्स सम इंग्रेडिएंट्स इन ग्राइंडर। आई पुट बनाना, मैंने बनाना डाल दिया है, और मैं साथ में शक्कर डाल दूँगी। मैं इन दोनों को ग्राइंड कर लूँगी, पहले ऑयल डाल दूँगी। ये अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल करके इसे एक बार और ग्राइंड कर, और नाउ आई विल ऐड कर्ड। And milk. Now I pour the mixture in a vessel so that dry ingredients will also added in this. तो अब मैंने ये अपने मिक्सचर को एक वैसल के अंदर निकाल लिया है, और अब मैं इसके अंदर अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स डाल दूँगी छान के। Now I'm adding vanilla extract, chocolate syrup, some vinegar, 1 tablespoon. Now I'm adding our dry ingredients, atta. हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 tablespoon बेकिंग पाउडर, नाउ सीविंग इट, छान लूँगी, पिंच ऑफ सॉल्ट। नाउ आई एम मिक्सिंग इट यूजिंग कट एंड फोल्ड मेथड।
ऑल्सो आई एम एडिंग अ पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है और अब मैं इसके अंदर ये वॉलनट्स डाल दूंगी अपने एंड सम चोको चिप्स। नाउ मैं अब अपने मैंने टिन को ऑयल कर लिया था और उसके ऊपर फिर बटर पेपर लगा के और दोबारा से उसे ऑयल कर लिया था और अब मैं अपना बैटर केक का इस टिन के अंदर डाल दूंगी। फ्रेंड्स मैं इसे अच्छे से ठोक लूंगी या ये कहें कि इसे सेट कर लूंगी ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रह सके। मैंने इसे ऊपर से भी गार्निश कर दिया है सम चोको चिप्स और अब मैं इसे अपने प्री हीट ये मैंने अपने घर की तवेली के अंदर रेत को और नमक को मिक्स करके रख दिया है और इसको प्री हीट कर लिया था हाई फ्लेम पर और अब ये प्री हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है। मुझे 10 मिनट हो चुके हैं इसे रखे हुए और अब मैं इसके अंदर अपना केक का जो जार है वो रख दूँगी और फिर इसे लो फ्लेम पर 45 मिनट्स के लिए रख दूँगी। ये मैंने अपने तवेली का या भगोने का लिड लगा दिया है और इसमें से एयर ना निकल सके इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वजन रख दिया है। आफ्टर 45 मिनट्स मैंने इसके अंदर चाकू लगा के देख लेना है। ओ सी फ्रेंड्स इट इज़ कमिंग क्लियर। मैं अब गैस को देखिए मैंने अपने भगोने में से निकाल लिया है और अब मैं इसे ठंडा होने के बाद निकाल करके दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा केक बनकर तैयार है, वॉलनट बनाना केक। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसको दिखाऊंगी आपको कि ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा केक। तो लग रहा है ना ये टेस्टी बनाना वॉलनट केक। मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये इतना सॉफ्ट बना है कि ब्रेक हो गया है। देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट कितना स्पंजी बना है। ये कट कर लिया है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कितना सॉफ्ट बना है ये देखिए। सो है ना ये टेस्टी बनाना वॉलनट एंड चॉकलेट केक। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत सारा प्यार दीजिए लाइक और कॉमेंट्स के ज़रिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।